नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देखिए फॉन्ट ब्लॉक। तो चलिए, इसके लिए मैं कुछ डाटा को मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं डाटा पहले से सेव करके मैंने रख लिया हूँ। वो डाटा को मैंने लेके आ गया यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले फॉन्ट में क्या है आपको यहाँ पे फॉन्ट मतलब क्या होता है। जैसे आपके घर में बहुत सारे सदस्य है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अलग अलग वो अपने लिखने के उसका उनका स्टाइल है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, इसको ऊपर वाला का मैं सिलेक्ट किया। अगर ये इनका लिखावट मुझे अच्छा नहीं लगा तो यहाँ से हम इनका लिखावट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से नीचे आएंगे, जैसे देखिए इस तरह से चेंज कर रहे हैं। आप देखते जाइए इस तरह से तो बहुत सारे का लिखने का आपको अपना अपना तरीका, अपना अपना स्टाइल है। उस स्टाइल से आप इसको फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से। और नहीं तो पार्टिकुलर यहाँ पर क्लिक करके आपको इस फॉन्ट स्टाइल में नहीं लिखना है, तो यहाँ से भी आप जो भी स्टाइल आप चूज कीजिएगा उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब वही स्टाइल में ही आपको लिखना, उसी तरह से आपको चालू कर देगा इसे। आप पहले से लिख चुके हैं, अगर आप पहले से लिख चुके हैं तो उसको सेलेक्ट करके भी आप चेंज कर सकते हैं। जब भी मैंने आपको चेंज करके आपको दिखाया। और ऊपर में देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन किया है कि आंडू का है। अब मैं गलती कर दिया कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर गलत टाइप कर रहे थे, यहाँ से यहाँ पर आंडू पर क्लिक कीजिएगा तो गायब हो जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं वो ठीक ही था, लेकिन इस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। इस तरह से आप इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट को हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए फॉन्ट साइज, तो जैसे कि हम इसको बड़ा करना है तो यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। सभी को बड़ा करना है तो हमको सभी को सिलेक्ट करेंगे, जितना तो बड़ा करना है सभी, इतना सभी डाटा को बड़ा करना, सभी डाटा को ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे और सभी डाटा को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 72, अगर 72 से भी हमको बड़ा करना है तो जिसको आपको बड़ा करना चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा कि आपको बड़ा होना चाहिए। 72 से भी आपको बड़ा करेगा, ठीक है। इसे यहाँ डायरेक्ट ऐसे छोटा कर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसका नाम है डिस्क्रीज फॉन्ट साइज। आपको डिस्क्रीज होगा, इसे इंक्रीज होगा, इस तरह से। यहाँ पर से आप ऐसे सेलेक्ट करके इसको छोटा पहले कर लेते हैं, बड़ा हो रहा है, छोटा कर लेते हैं कि डाटा जैसे स्पष्ट। कभी कभी होता है क्या ना कि डाटा बड़ा होने के बाद देखिएगा ये, तो यहाँ से ऐसे करके इसको बड़ा करके छिप जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोल्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर आप सभी को सिलेक्ट करके जिसको सिलेक्ट कीजिएगा उस पर आपको प्रभाव पड़ेगा। बोल्ड पर क्लिक किया तो बोल्ड हो गया, नहीं चाहिए तो नहीं। ये हो जाएगा तिरछा, इसको बोलते हैं अंडर इटैली, ठीक है, इसको बोलते हैं बोल्ड। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन, नीचे का अंडरलाइन आपको लग जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन, यानी कि दो का अंडरलाइन लगेगा। हटाना है तो उसी पर हटेगा, लाना है तो उसी से आएगा, हटाना है तो उसी से हटेगा। कोई भी काम करना, जैसे बोल्ड कर दिए नॉर्मल बोल्ड उसी पर होगा, इटैलिक किया तो इसी से हटेगा, आएगा उसी से आएगा जाएगा आपको इसी से। ठीक है, अब हम इसको अभी ऑप्शन कम छोड़ते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पूरा आपको एक वीडियो लगेगा, माने 10 मिनट का वीडियो बनेगा। इसको हम लोग यहाँ पर से देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है फील, सब इसको आपको नॉर्मल कर लेते हैं जैसा था, और देखिए इसको फील, ठीक है। इसमें से क्या किसी को पार्टिकुलरली ज़्यादा आपको दिखलाना चाहते हैं तो उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको देखिएगा हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। अब आप डिफरेंट कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, फील कलर, इस पर हम इसको अलग फील कर देते हैं। आप इस तरह से आप सेलेक्ट करके भी आप फिल कर सकते हैं कोई इस तरह से कलर, या फिर पार्टिकुलर जैसे इन्हें सेलेक्ट कीजिए
और यहाँ से भी इस तरह से फिल कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने इफ ई लिया कलर, इफ फिल कलर ले, लेकिन इसका फ़ोन का पता नहीं चलता है, तो फिर आपको सेलेक्ट करके और फिर यहाँ फ़ोन को कलर आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आपको स्पष्ट दिखाई देगा यहाँ पर। इससे क्या होता है कि फ़ोन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिसको चाहिए सेलेक्ट कीजिए, जितना को चाहिए उतना का सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो जो कलर चाहिए, रेड का रेड यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद इस तरह से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें से कोई भी कलर पसंद नहीं है तो मोर पर आ जाइए, और मोर पर भी बहुत सारा आपको कलर मिल जाएगा। इस तरह से स्टैंडर्ड में आइए, इसमें आपको कलर अपना मिक्स करके बनाइए, इसे मिक्स करने वाला है कलर, आप मिक्स कर दीजिए कि रेड ग्रीन ब्लू ये मिक्स हो रहा है। मिक्स करके भी जो कलर आप लेना चाहते हैं लेकिन इसको कलर इफेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, अगर इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आया है तो यहाँ से नो कलर नो फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किए, हमको हमको नहीं डालना है तो नो कर सकते हैं, यानी नो कलर हो गया। और उसके नीचे आते हैं मोर कलर, मोर कलर के पास आप कलर ले सकते हैं, और यहाँ से कलर मिक्स भी कर सकते हैं, यानी कि क्या हो गया, शेडो का कलर पीछे का यानी फिल हो गया, फिल मतलब भरना, और ये हो गया फोन का कलर। इस तरह से आपके बीच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएँगे, क्योंकि बहुत लंबाई है, लंबा इसमें एक वीडियो में चलेगा ये बॉर्डर। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।